तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कॉलेज ग्रेजुएट्स तथा पेशेवर युवाओं के लिए सफलता के कुछ मंत्र। यहाँ पर हमने कुछ दिलचस्प तरीके दिए हैं जो आपके करियर को 15 मिनट से भी कम समय में सुधारने में मदद करेंगे। आप अपने आउटलुक को खुद तैयार करते हैं और ये केवल आप पर ही निर्भर होता है कि आप अपने भविष्य को कैसी दिशा देंगे। अपने पोटेंशियल तथा कौशल के आधार पर करियर का चयन करना इस दिशा में उठाया जाने वाला पहला कदम है। इसके अलावा आपको हर कदम पर अपने करियर में बाजार तथा कंपनियों की जरूरत के हिसाब से सुधार करना होगा। ये सब सफलतापूर्वक कर पाने के लिए आप अपने दैनिक कार्यकलापों को देखना शुरू करें और ये समझने की कोशिश करें कि आप क्या कर रहे हैं और आपके अंदर किन चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है। ऐसा करने से आप खुद को अपडेट रखने और उद्योग की मांगों को पूरा करने में सक्षम होंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ दिलचस्प तरीके जो आपके करियर को 15 मिनट से भी कम समय में सुधारने में मदद करेंगे। धीरे धीरे करके आगे बढ़े। उच्च महत्वाकांक्षाएं अच्छी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अवास्तविक लक्ष्य बनाना शुरू कर दें। नियमित अंतराल पर छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करना शुरू करें जो आपके लिए आसान हो और फिर उन्हें पूरा करके आगे बढ़े। इस तरह आप न केवल अपनी नौकरी पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगे बल्कि समय पर और उत्पादकता के साथ लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, दूसरा है अपने महत्वपूर्ण स्ट्रेंथ को समझें। आप जो भी कर रहे हैं उस पर ध्यान दें और उन चीजों का पता लगाएं जिनमें आप सबसे अच्छे हैं। हर किसी के पास एक अलग स्ट्रेंथ होती है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। इसलिए अपने अंदर इस यूनिक बिंदु को देखने का प्रयास करें और अपने को बेहतर बनाने के लिए इसको विकसित करें। फिर भी हमेशा जीवन का ये आम नियम याद रखें कि आप हर समय सही नहीं हो सकते। इसलिए सीखने के लिए खुला दिमाग रखें और अति संवेदनशील नहीं बने। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है मार्गदर्शन के लिए एक मेंटर खोजें। हर किसी को मार्गदर्शन के लिए एक मेंटर की जरूरत होती है क्योंकि कोई भी जन्म के समय सीखकर पैदा नहीं होता। इसलिए एक मेंटर करियर के विकास के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि देकर किसी व्यक्ति के करियर को संवारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए अपने करियर क्षेत्र में किसी एक मेंटर चुने जो आप मार्गदर्शन कर सके और हर स्तर पर आपके संदेह को दूर कर सके। दोस्तों, अगला पॉइंट है करियर से जुड़ी घटनाओं में भाग ले और अपना नेटवर्क बनाए। हमेशा करियर से जुड़ी घटनाओं पर होने वाले सेमिनारों में जाने के लिए कुछ समय निकालें, खासकर यदि ये आपके करियर फील्ड से संबंधित हो तो। आप निश्चित रूप से इन बैठकों से प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करेंगे जो आपके करियर के विकास में मदद करेगा। इतना ही नहीं, आप अपने क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों के साथ संपर्क बनाने में सक्षम होंगे जो आपके करियर में आगे बढ़ने में आपकी सहायता कर सकते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट है अपने रिज्यूम को अपडेट करें। जब आप नए कौशल सीखते हैं तो उनको अपने रिज्यूम में अपडेट करें। ये आपको हायरिंग के वक्त शीर्ष सूची में शामिल रखेगा। इसलिए अपने रिज्यूम में नए कौशलों के बारे में लिखें। ये आपके रिज्यूम में ज़्यादा बदलाव किए बगैर ही संभावित रिक्रूटर को भेजने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों, अगला पॉइंट है नियमित रूप से जॉब पोस्टिंग पढ़ें। आपको रोजगार संबंधी लेखों को नियमित रूप से पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। आप नौकरी पोर्टल या करियर से संबंधित वेबसाइट में अपने लिए प्रासंगिक लेख पढ़ सकते हैं। ये वर्तमान के कार्य परिदृश्य के साथ आपको जोड़े रखेगा और नौकरी खोजने में आपकी सहायता करेगा। दोस्तों, इन युक्तियों का पालन करें और अपने करियर में आगे बढ़ें। यदि आपके पास इस बारे में कुछ कहने के लिए तो आप अपनी टिप्पणी देने में स्वतंत्रता महसूस करें। इसके अतिरिक्त आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
आपके अगर कुछ सुझाव रहेंगे, अभिप्राय रहेंगे, तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझे भेजते रहना। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।